हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया की गई किसी भी एक्टिविटी में चाइना को हमेशा कोई ना कोई इशू होता ही है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर बार होता है। और अब एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है जिसमें इंडिया और यूएस की होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल से भी चाइना को दिक्कत हो रही है। थर्सडे यानी 25 अगस्त को सीनियर कॉलोनल टैन कैफे, जो कि चाइनीज मिलिट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर हो रहे इशू को लेकर चाइना किसी भी फॉर्म में किसी थर्ड पार्टी कंट्री की इंटरफेरेंस को स्ट्रांगली अपोज करता है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि चाइना इंडिया से यह उम्मीद करता है कि इंडिया दोनों देशों के बीच हुए बायलेटरल एग्रीमेंट पर अबाइड करेगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किसी भी तरह की कोई मिलिट्री ड्रिल्स होल्ड नहीं करेगा। अब अगर हम यूएस और इंडिया के साथ करे जाने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, तो यूएस और इंडिया एक साथ मिलकर हिमालयस के सदर्न फुटहिल्स पर बॉर्डर के पास एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम होगा युद्ध अभ्यास, कंडक्ट करने जा रहे हैं। यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसी साल अक्टूबर में होने वाली है। इसके अलावा टैन कैफे ने कहा कि चाइना ने हमेशा से दो देशों के मिलिट्री कॉपरेशन, जिनका मोटिव सिर्फ ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, उनको पूरी तरह सपोर्ट किया है। और दो देशों के मिलिट्री कॉपरेशन का मोटिव रीजनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को टारगेट करना। उन्होंने यह भी कहा कि चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर इशू तो देशों के बीच का मामला है और दोनों ही साइड ने हर लेवल पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों देशों ने बायलेटरल डायलॉग्स के थ्रू पूरी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए भी एग्री करा है। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए टैन ने कहा कि 1993 और 1996 में चाइना और इंडिया के बीच हुए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के एरिया में किसी भी देश को कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करना अलाउड नहीं है, और इसी वजह से वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया इन एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो करेगा और बॉर्डर इशू को प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ बायलेटरल चैनल से रिजॉल्व करेगा, ताकि बॉर्डर एरिया पर पीस बना रहे। पर ऐसा लगता है कि 1993 और 1996 में इंडिया चाइना एग्रीमेंट के रूल्स को चाइना खुद भूल गया था, क्योंकि मई 2020 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को LAC के पास मूव कर दिया था, जिससे एक मेजर मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था, जो कि अभी तक भी चल रहा है। अगर हम युद्ध अभ्यास की बात करें, तो इंडिया और यूएस की यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दो हफ्तों तक उत्तराखंड के औली में 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।